संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधेरों में जंग जीती हो सूर बनकर वही निकलता है, सूर बनकर वही निकलता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अंधेरे से लड़ता है उसी के जीवन में उजाला होता है, उसी के जीवन में उजाला होता है। जो व्यक्ति अंधकारों से डरता है उसके जीवन में कभी उजेला नहीं होता है। इसलिए संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती हो सूर बनकर वही निकलता है। बुझी सांप भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी सांप भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक परिस्थितियां आएंगी, अनेक कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपको बता दे आपकी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बस अपने लक्ष्य में काम में फोकस करते रहिए। यकीन हो, अगर आपको अपने ऊपर, अपने सपनों पर, अपने हिम्मत, अपने पैरों पे यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। जब आपको यकीन होता है तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है, क्योंकि हवा की ओट लेकर चिराग जलता है, हवा की ओट लेकर चिराग जलता है। दोस्तों, होके मायूस यूं ना शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस यूं ना शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए, सूरज की तरह निकलते रहिए। दोस्तों, ए दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे मित्र, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जो हम इतना टेंशन लेते हैं कि जिंदगी में क्या होगा, कैसे होंगे, कैसे सफल होंगे, ज्यादा मत सोचो। अपने कर्मों को लगातार करते रहो, एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। कि ए दोस्त, मत सोच जिंदगी के बारे में इतना, ये दोस्त मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है कुछ तो सोचा होगा तेरे बारे में, कुछ तो सोचा होगा तेरे बारे में। कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। कि मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ऐसे विचार, ऐसी बातें बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन मेरा दावा है इन्हीं विचारों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मैं उत्तम के बाद, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बताएं आपको इनमें से कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।